नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल शिव फार्म और एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं आपको केला की फसल के बारे में विस्तार पूर्वक से बताएंगे। इसमें जो किसान भाई हैं, काफ़ी युवा किसान भाई हैं, ये आपको बताएंगे किस तरह से केला की खेती आप कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं किसान भाई से। राम राम किसान भाई। राम राम किसान भाई। किसान भाई, हमारे व्यूअर को आप अपना परिचय दीजिए। हमारे परिचय, हमारा नाम दीपक कुमार और मेरा गाँव नेवादा और डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश। आप केले खेती कितनी दूर में किए हुए? 3 एकड़ लगभग। 3 एकड़ लगभग। कितना पेड़ इसमें लग गया है? 3240 पेड़। 3240 पेड़ लगभग। 1 एकड़ में लगभग 1200 पेड़ लगते हैं। 1100-1200 लगभग। तो ये बताइए, आप क्या सोच केले खेती किए हैं, कितने इसमें कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट तो जैसे है एकड़ के हिसाब से होता है। तो लगभग क्या सोचे हैं, कितना इनकम ले सकते हैं केले खेती से आप? लगभग अगर 3 एकड़ में आप कम से कम अगर सही से हो तो 15 से 20 लाख इनकम आपका हो सकता है। ये काफ़ी अच्छी खेती है केला की। तो किसान भाइयों, आप भी केला खेती कर सकते हैं। तो हम चलो बताते हैं इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इसके बारे में चलो वीडियो में आगे दिखाते हैं। और पौधा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए कि ये कौन सी वैरायटी है? ये वैरायटी है केले की, कई वैरायटी आती हैं, जैसे इसमें से एक है सबसे बेस्ट वैरायटी G9+। G9+ जी। इसका फल काफ़ी अच्छा होता है? फल काफ़ी अच्छा होता है, लगभग 30 से 35 किलो की एक घेर जो आती है वो होता है लगभग, और ज़्यादा मेहनत पे 30 से 35 किलो हो जाता है। अच्छी मेहनत करेंगे तो लगभग 40 से 50 किलो बीच हो जाएगा। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी चयन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा G9+। किसान भाई बताइए, पौधा ये पीला क्यों हो रहा है? ये पीला हो रहा है ठंड की वजह से, जैसे एक महीने से लगातार धुंध पड़ रही है, कोहरा बराबर पड़ रहा है, जिसमें इसमें लगने से वो क्या नाम होता है, यानी पाला का असर हो गया। पाला लगने से ये पत्ते पीले पड़ जा रहे हैं। जैसे यहाँ अभी टेम्परेचर चल रहा है 5 डिग्री 7 डिग्री, और केले के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर चाहिए 35 से 40 डिग्री। ये ठीक हो जाएगा ना ये? हाँ, अभी इसमें दवा का छिड़काव हो रहा था, दवा छिड़काव हो गया है। अब कुछ दिन में जैसे धूप निकलेगी अपने आप इसको हरा कर देगा। इसमें कौन सी दवा का स्प्रे किए हुए हैं? इसमें दवा लगी है ब्लू कापर। अच्छा, कापर, जो कापर ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लू कापर के नाम से जो आती है। तो किसान भाइयों, आप कापर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करे हुए हैं इसमें किसान भाई, तो आप भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, देख रहे हैं आप, कहीं कहीं पौधा छोटा हुआ है, यानी इसका कम अच्छे से देख रेख नहीं कर पाए हमारे किसान भाई। अभी पहली बार इसकी खेती की हुए हैं, और कहीं कहीं पौधा बड़ा हो गया है, इसमें पाला का असर हो गया है। इसमें अब ठीक हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें दवा असर कर रही है धीरे धीरे, अभी ठीक हो जाएगा। जैसे ही मार्च महीने में पौधा, जैसे ही गर्म मौसम आएगा लगभग फरवरी के बाद, सारे पेड़ पे तंदुरुस्ती अपने आप बढ़ाओ इसके, जो बढ़ा है। ठंड के लिए पौधा नहीं सही है, 2 महीने इसमें पूरी रुकावट बनी रहती है, ना लंबाई बढ़ेगी ना मोटा होगा पौधा, सिर्फ पौधा ऐसे जैसे रहेगा वैसे पड़ा रहेगा। अच्छा, इसके लिए आप ग्रोथ के लिए कौन सा दवा का स्प्रे करते हैं, या क्या करते हैं कि पौधा जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो जाए? ग्रोथ के लिए यही जैसे वो होता है पोटास और डाई, और उसमें जैसे मिक्सचर करके थोड़ी यूरिया, ऐसे हर कंपोजिशन 4-5 आइटम मिला के उसको जड़ के पास 100-200 ग्राम डाला जाता है। ये तो हो गई जड़ की बात, स्प्रे में क्या लेते हैं आप? स्प्रे में जैसे NPK 19-19 सागर क्या, यही दोनों मिला के छिड़काव किया जाता है इसका, इससे ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ अच्छा होता है, यानी काफी अच्छा है। हाँ, रिजल्ट अच्छा आता है। चलो ठीक है। अच्छा किसान भाई, बताइए जो खरपतवार है इसमें, इसके लिए आप क्या करते हैं? जैसे लाइन से पेड़ लगा है तो इसमें लाइन बीच में जो जगह है इसमें हम पावर टिलर ट्रैक्टर जो छोटा वाला होता है उससे हम गुड़ाई कर देते हैं बीच में पूरा, इधर से और इधर से क्रॉस जुताई होती है, एक बार इधर से एक बार उधर से क्रॉस जुताई हो जाती है बीच में। उसके बाद जब ये गोलाई में जो पौधा घास बचती है इसमें खरपतवार, इसको हम मजदूर करके निकलवा देते हैं पूरा। हाँ, वही काफी देख रहे हैं इसमें। हाँ, काफी ज्यादा घास हुई है पहले से, पहले बहुत थी, अब तो थोड़ा कम हो गई है। अभी इसमें नमी है, नमी ठंडी में रहना बहुत जरूरी है, ठंडी का असर कम करता है। हाँ, असर कम करेगा, जैसे अभी 4-5 दिन बाद फिर इसमें पानी लग जाएगा दोबारा, यानी ठंडी से बचाने के लिए नमी बहुत जरूरी, नमी जरूरी है, खेत सूखना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, काफी अच्छे तरीके से खेती की हुई है, थोड़ा भी ठंडी से दिक्कत हो रहा है, यही 1-2 महीने दिक्कत रहेगी, जहाँ फरवरी पार होगा उसके बाद सब सही हो जाएगा। हमारे किसान भाई को ये बता दीजिए, एक कितने दिन में इसका पौधा यानी फल कितने दिन तैयार हो जाता है?
फल जैसे 14 से 15 महीने में लास्ट 15 महीने तैयार हो जाता है, 15 महीने में फल इसका आ जाता है, एकदम तैयार हो जाता है। क्या एक ही बार इसका फल आता है? नहीं यार, इसका फल अगर सही से देख रेख हुआ, मतलब इसके बगल में एक कली निकलती है जो 2 बार होती है, मतलब इसका फल 2 बार आप ले सकते हैं एक पेड़ लगाने, यानी एक पौधे से 2 बार आप 2 बार फल ले सकते हैं। हाँ, तो लगभग इसमें कितनी लागत लगा चुके हैं आप? लागत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए लग गए अभी तक। अच्छे बताइए, एक पौधा किस हिसाब से मिलता है? पौधा मिलता है कि बीज मिलता है? ये पौधा ही मिलता है, छोटा पौधा रहता है, डिब्बे में करके आता है, जैसे सपेता का पेड़ आता है ना, क्लप्टिस का, सेम वैसे, हाँ सेम वैसे आता है डिब्बे में करके, तो एक पेड़ लगभग 20 से 25 रुपए तक का आता है। 25 रुपए मिल जाएगा? हाँ। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलता है जैसे लखनऊ साइड ऑर्डर करने पे, पहले से बुकिंग करना पड़ता है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, बाराबंकी लखनऊ ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। थैंक यू किसान भाई, आप काफी अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। तो किसान भाइयों की, जैसे कि जान रहे हैं आप, अगर आप केला खेती करना चाहते हैं या जो इसमें नहीं बता पाए हैं हम इस वीडियो में, आप कमेंट करेंगे उसके बारे में वीडियो बना देंगे अलग से। तो चलते हैं किसान भाइयों।